Jamiatul Muflihat and Pala Group of Schools towards success in Dunya and Akhirah. Admissions open. Assalamu alaikum adab, main hu Abdul Khader. आइए 29 जून की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। अगर इसराइल ने लेबनान के ख़िलाफ़ जामा अस्करी जारहत का रास्ता अख्तियार किया तो नस्ल खुशी की छिड़ जाएगी चंद। अक़वामे मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने दिया इंतबाह, कहा इस तरह की सूरत हाल में ईरानी मुसल्ला मलिशियाओं की मुकम्मल शिरकत समेत तमाम रास्ते हमारे सामने होंगे, हम हिज़्बुल्लाह के साथ। मालदीव में सदर मोहम्मद मोइज़ू पर काला जादू करने के इल्ज़ाम में मालदीव की खातून वज़ीर मुमलिकत माहौलियात फातिमा शमनास सलीम और उनके शोहर को कलिया गया गिरफ्तार। मालदीव के आइन में काले जादू की कोई सज़ा नहीं, शरई खवानीन के तहत काले जादू पर 6 माह कैद की हो सकती है सज़ा। लेबनान की हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान कई मुल्कों की जानिब से लेबनान के सफ़र के ख़िलाफ़ एडवाइजरी के पेश नज़र अब भारत ने भी जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। हिंदुस्तानी सफारतखाने ने अपने शहरियों से एहतियात बरतने की अपील की। भारत में बीजेपी दौरे हुकुमरानी में मुसलमानों समेत अकलियतों पर हमले और हेट स्पीचेस में इजाफा। मजहबी आज़ादी से मुतालिक इस अमेरिकी रिपोर्ट को भारत ने कर दिया मुस्तरद। भारतीय वजारत खारजा ने अमेरिका को मुदाखलत ना करने की दी हिदायत, रिपोर्ट को बताया वोट बैंक की सियासत। कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत पर किया बड़ा हमला। नीट एग्ज़ाम धांधली तनाज़े पर कहा, परीक्षा पर चर्चा करने वाले मोदी जी पेपर लीक पर खामोशी कर रहे इख्तियार। वज़ीर आज़म इत्तेफाक की तबलीग करते हैं लेकिन तसादुम को देते हैं फरोख। जुमेरात की शब दिल्ली में वाक़े बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के घर पर कुछ शरपसंदों की जानिब से हमले का वाक़या। सदर मजलिस के घर पर हमले नारेबाजी के मामले में हरकत में आई दिल्ली पुलिस, अब दर्ज की FIR। हमले के वाक़े में 5 अफराद मुलविस, मामले की तहकीकात शुरू। ज़मीन घोटाले से मुतालिक केस में झारखंड के साबिक CM हेमंत सोरेन को मिली बेल के बाद साबिक CM को जेल से कर दिया गया रिहा। 5 माह बाद जेल से रिहाई के बाद वालिदैन से मिले हेमंत सोरेन, कहा इंसाफ मिलने में लग रहे बरसों, एक साजिश के तहत मुझे सलाखों के पीछे रखा गया। तेलंगाना की हुकूमत का आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम की ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत के साथ कोई मसला नहीं, CM रेवंत रेड्डी का बयान। साथ ही कहा इदारे जात की तकसीम के हवाले से किसी भी मसले का बातचीत के ज़रिए हल दरियाफ्त करने को तैयार। इंतखाबात ख़त्म, अब हम रियासत की तरक्की पर तवज्जो कर रहे मरकूज़। तेलंगाना के शादनगर में साउथ ग्लास प्राइवेट कंपनी में गैस कंप्रेसर फटने से खौफनाक धमाका। धमाके के सबब 6 अफराद हलाक, 15 दीगर के ज़ख्मी होने की खबर। CM रेवंत रेड्डी, साबिक CM KCR व दीगर का इजहार अफसोस। मुतासिरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने KCR का हुकूमत से मुतालबा। शहर हैदराबाद में रात के वक्त पुलिस के सख्त इंतजामात के बावजूद भी शहर में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी। पुराने शहर में कत्ल की एक और वारदात, अब चादरगाड़ पुलिस स्टेशन लिमिट्स में नजफ आगा नामी एक शख्स का कत्ल। आपसी दुश्मनी समझी जा रही कत्ल की वजह, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। ये थी टॉप 10 न्यूज़ की 10 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kuttapet, Balapur, Sharif Nagar and Kishanbagh. We offer exclusive education for boys and girls separately along with day-cum residential facilities. From nursery to grade 10, we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies, Nazira, Hifz, Diniyat and Alimiyat. Fazilat and Tadrib also. Don't miss out on securing the best education for your child, both in this world and the hereafter. Enroll now to guarantee your child's seat and avoid last minute rush as the seats are limited.